बॉलीवुड की फैशन दीवा कही जाने वाली अभिनेत्री सोनम कपूर 8 मई को शादी के बंधन में बंधी है और उनकी शादी में बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की और इन्हीं में से एक रही फिल्म वीरे दी वेडिंग में नजर आ रही उनके साथ अभिनेत्री स्वरा भास्कर। स्वरा किसी भी मुद्दे को लेकर बेबाक बयान देने में कभी भी पीछे नहीं रहती। वहीं वो अपनी कोस्टार सोनम की शादी में भी जमकर धमाल मचाती हुई नजर आई। लेकिन इस शादी के दौरान स्वरा के साथ कुछ ऐसा हो गया है जिसके चलते वो टॉक ऑफ द टाउन बन गई हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि सोनम की शादी में धमाल मचाना उनके ऊपर भारी पड़ गया। रिपोर्ट्स की माने तो स्वरा को स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है और उन्होंने इसको लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया है। बता दें कि डॉक्टर्स ने स्वरा को 10 दिन के लिए आराम करने की सलाह दी है, साथ ही साथ ये भी कहा है कि उनको पूरी तरह से बेड रेस्ट पर रहने की ज़रूरत है और अगर वो 10 दिन का बेड रेस्ट नहीं लेती हैं तो फिर उन्हें आगे 2 से 8 हफ्तों तक बेड रेस्ट पर रहना पड़ सकता है। स्वरा के प्रोफेशनल फ्रंट की जहां तक बात की जाए तो वो इन दिनों फिल्म वीरे दी वेडिंग को लेकर सुर्खियों में है। इस फिल्म में उनके साथ साथ सोनम कपूर, करीना कपूर और शिखा तलसानिया भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।